हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? तो चलिए हम लोग आज न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट कैसे उत्पन्न होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का उद्देश्य है क्या, मीनिंग क्या है, हम लोग उसको देखेंगे। पहले अल्टरनेटिंग करंट का शुद्ध हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है समय के साथ, टाइम के साथ साथ करंट का वैल्यू चेंज होना और आवर्त रूप से एक फिक्स टाइम इंटरवल में पीरियोडिकली पोलारिटी चेंज होना। पोलारिटी चेंज होना का मतलब प्लस माइनस चेंज होते रहता है। तो निश्चित समय अंतराल में पोलारिटी चेंज होना, ध्रुवता चेंज होना, प्लस माइनस चेंज होना और टाइम के साथ करंट का वैल्यू चेंज होना, यही कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा। इसका जो चेंज होता है, साइन के ग्राफ को आपने देखा होगा, उसी ग्राफ के अनुसार टाइम और करंट के वैल्यू को देखा जाए तो टाइम चेंज होंगे और करंट का वैल्यू भी चेंज होंगे, पोलारिटी चेंज होंगे, उसको साइन के ग्राफ के रूप में देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगे। सबसे पहली बात है कि यदि वो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ साइन के जैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होगा, जो फार्मूला होगा, उस फार्मूला में साइन आना चाहिए और करंट टाइम के साथ बदल रहा है तो टाइम के साथ साथ साइन का वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो फार्मूला में साइन भी आएगा, टाइम भी यूज होगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी कॉमन बातें हैं यहाँ पर जिसको हमको आगे जानना है, समझना है। तो चलिए कुछ रफ डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम लोग एसी जनरेटर से। उसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, एसी डायनमो भी बोलते हैं। वह हमें अल्टरनेटिंग करंट देता है। कैसे देता है पहले उसको समझेंगे, तब उसमें इक्वेशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी बच्चे तैयार हो गए हैं? सबने पूजा कर लिया अच्छा से, ठीक ठाक से, एकदम तैयार हैं तो बोलिए जल्दी से, हम लोग क्लास के आगे को बढ़ाते हैं। ये तो दिख रहा है कि 80% बच्चे अभी रिलैक्स मूड में हैं, बाद में देख लेंगे, यही फीलिंग्स हम देख रहे हैं बच्चों में। और ये तो आप लोग साल भर से बिता लिए कि बाद में कर लेंगे, ये मानसिकता कहीं ना कहीं बच्चे को परेशान कर रहा है। बाद वाला चीज बाद पर होता है, समझने का जरूरत यहाँ पर ये है, बाद में करेंगे, हो सकता है बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा परेशानी आ जाए तो उस समय आपका क्लास जो छूटा है वो छूटा ही रह जाएगा, फिर न्यू लोड आपके ऊपर आ जाएंगे। इसलिए वो जो कहावत है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब,
उसको पूरा करने का कोशिश कीजिए, उसका पालन करने का कोशिश कीजिए। और इसी कमिटमेंट के साथ आप लोग अभी रिलैक्स मूड में हैं, लेकिन वो कमिटमेंट पे आप लोग जो है फेल हो जाते हैं और शुरू से नहीं क्लास कर पाएंगे, तो फिर आपको इस चैप्टर में भारी दिक्कत होने वाला है। तो हम स्टार्ट करें, आप लोग तैयार हैं, जिसके जहां भी दोस्त फ्रेंड हैं उसको आप मैसेज कीजिए कि चैप्टर 7 न्यू स्टार्ट हुआ है, यहां से क्लास को कंटिन्यू देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले एसी जनरेटर। इसको हम लोग देखेंगे अभी, इसमें बनावट को देखेंगे, उसके प्रिंसिपल को देखेंगे, उसके वर्किंग को देखेंगे, और तब देखेंगे वो कैसे करंट हमको देता है और उस करंट का इक्वेशन क्या आता है और उस करंट का मान टाइम के अनुसार कैसे बदलता है। उसका ग्राफ साइन के ग्राफ जैसा क्यों कैसे हो जाता है, इन सारे बातों को हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज इसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन। या पहले देखें डिफिनेशन क्या है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन व्हिच मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ principle of electromagnetic induction। electromagnetic induction में क्या बताया गया था, फ्लक्स में चेंज करेंगे
मैग्नेटिक फील्ड में क्वाइल को रख कर घुमाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सर्किट में इंड्यूस्ड करंट होगा। तो उसी पर ये वर्क करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और उसमें कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया जो मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को जो घुमाते हैं, घुमाने में जो वर्क होता है, जो एनर्जी खर्च होता है, वह मैकेनिकल एनर्जी हो गया, उससे कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त होता है। इतना बात हमको याद रखना है। इसी को शॉर्ट में मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वह बेसिक बात है। जब किसी क्वाइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। चलिए इसके बनावट पर फोकस करते हैं जल्दी से। बहुत ज्यादा लिखने में परेशान नहीं होना है, हालांकि लिखने के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बहुत परेशानी नहीं है। इसका तुरंत नोट्स मटेरियल आपको का पीडीएफ चला जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत जल्दी से चला जाएगा। आज दोपहर तक ये नोट्स चला जाएगा पूरा चैप्टर का, उसको आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, तैयारी करना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को बाद में तैयारी नहीं करना है, इसके पहले जो बताए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर नंबर 6, उसको और इसको
घर में आप रिलैक्स में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ ट्यूशन जाना नहीं पड़ रहा आपको, आप कंप्लीट रिलैक्स मूड में अभी हैं, आप एक घंटा के बदले 4 घंटा मेहनत कीजिए, अभी आप दिखा दीजिए कि मैं 18 घंटा पढ़ सकता हूँ। अब ये 10 दिन मान लीजिए, 8 दिन मान लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम है और इसी 15 तारीख से हमको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ऐसा फीलिंग्स करके, ऐसा मन में प्लानिंग करके 18 घंटा मेहनत कीजिए, चाहिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, मन की इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, दुनिया में परचम फहराइए। मन की इच्छा शक्ति नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे बात का पालन करेंगे और 18 घंटा लेबर करेंगे अभी आप घर में, इस चैप्टर को तैयार करके मेरे पास आएंगे, आप ऑफलाइन में जो आएंगे मेरे पास चैप्टर तैयार करके आएंगे, 6 और 7 यही टारगेट बनाइए, बाकी दुनिया में कुछ मत कीजिए, सारे फिजिक्स को छोड़ दीजिए तत्काल, ये 2 चैप्टर को एकदम तैयार करके यहाँ आना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या देखना है आपको, इसमें बेसिकली होता है ना परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक क्वाइल को रखा जाता है और क्वाइल को एक निश्चित एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है। रोटेट करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, आप देखते हैं कि साइकिल का चक्का भी रोटेट होता है, ट्रक का चक्का भी होता है, ट्रेन का चक्का भी होता है, दर्जी का जो मशीन होता है उसका भी चक्का घूमता है। तो घुमाना है, रोटेट करना है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ जनरेटर के बारे में लास्ट मोमेंट में जाके। तो उसमें से हमको घुमाना है क्वाइल को रखकर, आइए उसको देखते हैं रफली। हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये फ्रंट फेस जो है उसका कॉनकेव है, अवतल आकार का है। इस अवतल आकार के बीच में आपको एक क्वाइल को रखना है, या इसको एक्सल बोलते हैं। और इसी पर एक आर्मेचर को रखते हैं, एक लोहा का सॉफ्ट आयरन का कोर है, उसी पर तार को लपेटा जाता है, जिसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। ये मान लेंगे मेरा कि ये ए बी सी डी एक आर्मेचर है, आयताकार लोहा का सॉफ्ट आयरन रॉक प्लेट होता है, उस पर तार को लपेट कर बनाया गया है, तो रेक्टेंगुलर आर्मेचर बोलते हैं इसको, आयताकार आर्मेचर बोलते हैं उसको। उस पर तार का ये जो 2 छोर है, दोनों छोर को अलग अलग रखा गया है। आप समझिएगा गौर से, यहाँ पर 2 रिंग होगा, ये रिंग हुआ, एक वायर इससे टच है,
दूसरा वायर को आपको दिखाया है, वहां पर एक रिंग यहां है आपका, दोनों रिंग को ध्यान देना है कि एकदम एक्सिस पर है, दोनों का सेंटर सेम लाइन में है और दोनों से अलग अलग ये वायर जुड़ा हुआ है। अब यहां पर दो कार्बन ब्रश होगा, ये तो कार्बन ब्रश आपका है, ये जो रिंग है आपका R1 R2 दो रिंग है, जो बॉल बेयरिंग जैसा नहीं होता वैसा है, रिंग बना हुआ है, वहां पर घूम सकता आसानी से। कार्बन ब्रश जो आपका है B1 B2 बोलेंगे, और इसी दोनों से वायर जुड़ा रहता है। ये मान लो PQ तुम्हारा पॉइंट हो गया, यहीं से वायर को जोड़कर जहां ले जाना है ले जाइए, ये यहीं से मिलता है आउटपुट, आउटपुट यहीं से मिलता है पी और क्यू पॉइंट से। अब आइए यहां पर मैकेनिज्म को देखिए तो गौर से, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है आपका, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरता है, ये एक्सेल है, इसको रोटेट कराते हैं चाहे जैसे भी खराब है, एंटी क्लॉकवाइज, उसको रोटेट कराते हैं। तो जब ये रोटेट कराते हैं तो इसका अपना एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, याद है आपको होगा ओमेगा, कोणीय वेग क्या होगा ओमेगा होगा। जब ये क्वाइल घूमता है इस एक्सल के साथ R1, R2 ये दोनों रिंग भी घूमता है, आर्मेचर के साथ ये दोनों R1, R2 रिंग घूमता है, लेकिन B1, B2 जो ब्रश है, R1, R2 रिंग कॉपर मेटल वायर है उसका बना होता है रिंग, B1, B2 दोनों कार्बन का ब्रश है, वो सिर्फ दोनों रिंग को टच करता है, स्पर्श करता है। अब कहेंगे कि कार्बन ब्रश मतलब ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया, पढ़े होंगे आप लोग कार्बन का प्रारूप ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, कार्बन तो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है, लेकिन उसका जो ग्रेफाइट होता है वह करंट को फ्लो कराने में मदद करता है, ग्रेफाइट पेंसिल में जो होता है, पेंसिल में जो लगते हैं लिखते हैं, तो उसी का ब्रश ये बना होता है, इसलिए वो कार्बन ही ब्रश लिया गया है कि वो इलेक्ट्रिक्स का फ्लो कराने में मदद करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो, और फ्रिक्शन इस रिंग पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगाता है जिससे वो रिंग जल्दी खराब नहीं होता है। अब इस स्टेज को कैसे है, अब यहां पर देखेंगे कि इस क्वाइल को घुमाना है चाहे जिस व्यवस्था से आप घुमा दें, कहे तो घुमाने का व्यवस्था बहुत हो सकता है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन बहुत सारे सिस्टम है, अलग अलग तरह से घुमा सकते हैं। तो यदि इसको घुमाना शुरू करेंगे
आप देखेंगे यहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए ऐसा कॉइल है, मेरा हाथ रखा हुआ ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, घूमेगा तो कभी ऐसे होगा, फिर कभी ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, फिर कभी ऐसे होगा। तो अभी स्टार्ट ऐसे किए, ऐसे घूम के ऐसे होगा, तो अभी जब ऐसे है अधिक से अधिक फील्ड लाइन सतह से गुजरेगा, मैक्सिमम फील्ड लाइन सतह से गुजरेगा, ऐसे कर देंगे तो फील्ड लाइन्स हवा में जाने लगेगा, फिर घूम के ऐसे आएगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइन्स हवा सतह से गुजरेगा। तो जब घुमाएंगे उसको तो वहाँ पर देखा जाएगा कि फील्ड लाइन्स की संख्या जो सतह से गुजर रहा था वह चेंज होता है, और चेंज होने के कारण आप लोग पढ़ लिए हैं चैप्टर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है, ये आप लोगों ने सुन चुका है, देख चुका है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी क्षण क्वाइल का ये नॉर्मल लाइन ऐसे दिखा देता हूं मैं, अभी मान लीजिए क्वाइल का ये नॉर्मल लाइन है, और यहाँ पर एक चीज नहीं दिखाई आपको, सॉफ्ट आयरन कोर पर ये नर्म लोहे का क्रोड है, उसी पर तार लपेटा गया है, क्योंकि आपको बताया गया था क्वाइल के अंदर सॉफ्ट आयरन रखने से मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग बनता है, एयर रहेगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि सॉफ्ट आयरन है तो और अधिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है वहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है बी बी के साथ ये अभी कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, ये थीटा 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 270 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, अनंत बोल सकते हैं आप, क्योंकि जब घूमना शुरू किया एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर चार चक्कर 20 चक्कर 50 चक्कर 100 चक्कर करोड़ों अरबों कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको बताए थे थीटा का मान के अनुसार साइन कॉस कैसे बदलता है, वेब थ्योरी में आपको बताए थे वहां पर। तो ये यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में इस कॉइल से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, अभी देखिए मान लीजिए कि जब अभी जो पोजीशन में अभी है नॉर्थ पोल के सामने ए बी साइड आपका है अभी, और ये घूमकर ए बी कभी साउथ पोल के सामने आएगा, जिस समय ए बी साउथ पोल के सामने चला जाएगा उस समय सी डी नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा, फिर घूम के ए बी नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा, फिर सी डी साउथ पोल के सामने चल जाएगा। तो हमेशा वो चेंज होते रहेगा, इस तरह से घूमते रहेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने, क्वाइल का जो सतह है वो घूमते जाएगा बदलते जाएगा। तो आप लोगों ने देखा था इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार यहाँ पर इस वायर में करंट फ्लो होगा। प्रेजेंट टाइम में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो वायर है ऐसे दिखाया मैंने, और ये मान लेता हूं कि कुछ क्षण के लिए ये आपका पॉजिटिव है, कुछ क्षण के लिए कह दिया ये R1 तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है। तो जिस समय तक इसको R को पॉजिटिव मानोगे फिर उस समय ये वायर यहां पर आपका है, तो ये यहां टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। यदि आप नॉर्थ पोल के सामने दिए वाला है तो ये पॉजिटिव बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो उस समय ये निगेटिव रहेगा आपका,
और जब ये घूमकर सीटी इसके पास आएगा और ये उसके पास जाएगा, उस स्थिति में ये तुम्हारा बन जाएगा पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो जब ये चक्कर लगाते रहेगा ए बी और सी डी, ये सामने बदलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, आर वन आर टू का ये जो है पोलैरिटी चेंज होते रहेगा, जीरो डिग्री से लेके 180 डिग्री तक आधा चक्कर में पोलैरिटी बी वन निगेटिव रहेगा, बी टू पॉजिटिव रहेगा। फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक जब जाएगा तो फिर ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। मतलब इस पथ में करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। अभी इनिशियली हम लोग करंट के डायरेक्शन को आई को ऐसे दिखाए हैं, ये करंट इसमें है, लेकिन अगले आधे चक्कर में जो होगा ना, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये जब यहाँ आएगा तो इसमें करंट नीचे की ओर होने लगेगा, इधर मतलब इस तरह से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये बताएगा गति की दिशा को और ये बताएगा करंट की दिशा को। तो गति की दिशा में क्या होता है ना कि ए बी वायर जब नॉर्थ पोल के सामने रहेगा तो करंट ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये अगले आधे चक्कर के बाद सी डी लाइन साइड जो है वो नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा, तब वो सी डी वाला बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। यही क्रिया बार बार होते रहता है, उसको फार्मूला द्वारा भी दिखाएंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से ये मैकेनिज्म हुआ, अब वर्किंग पे चलते हैं, कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन में हमको देखना है करंट के फार्मूला पर जाना है, लेकिन करंट डायरेक्ट नहीं, पहले हमको क्या खोजना है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे खोजेंगे। तो उसके लिए जो थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब अप्लाई करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। आइए हम लोग गौर से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये सोचो आप लोग कि यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सोचना यहाँ से शुरू करना है कि ये थीटा का वैल्यू टाइम के साथ बदलेगा, यस नो, थीटा का वैल्यू टाइम के साथ बदलेगा। यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपको, डायनमो या जनरेटर में करंट के डायरेक्शन को कैसे पता चलता है। तो यहां पर हमारा जवाब होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब ये वाला स्थिति, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये क्वाइल की गति की दिशा को बताएगा और ये करंट की दिशा को बताएगा, राइट। इसको बात हम लोग सुन चुके हैं, आपके कॉपी में लिखा है, आपके नोट्स में तैयार है, आप उसको पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं एट टाइम टी एंगल बनता है आपका, थीटा एंगल है, ये थीटा टी टाइम पर थीटा एंगल है। तो यदि उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा बराबर, सारे बच्चे जानते हैं थीटा बाय टी, यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब यहां पर से देखेंगे हम लोग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। थीटा का वैल्यू किस टाइम में कितना होगा, हम लोग इसी से सोचते हैं। एक स्टेप यहां पर हम लोग, पहला स्टेप हुआ, यदि एंगुलर वेलोसिटी जिस मशीन के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा क्वाइल को घुमा रहे हैं, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको मालूम रहेगा।
तो वह कितने समय में कितना एंगल बनाएगा, हम उस ओमेगा के वैल्यू के मदद से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, इसको यूज कर लेंगे हम लोग। अब यहां से हम लोग स्टेप को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, तो हम लोगों को पता है ये क्वाइल के सरफेस का जो एरिया है, उस एरिया को आप कुछ मान लो, क्वाइल के सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्वाइल को हम लोग कैपिटल ए मानेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्वाइल, क्वाइल के सतह का क्षेत्रफल मानेंगे ए। तो उस ए का दिशा क्या होता, एरिया वेक्टर नॉर्मल की दिशा में होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगी आपको यहां पर। चलिए एक बात रहने दिए, अब इस क्वाइल में यहां पर ये देखेंगे कि फ्लक्स का मान कितना होगा। तो फ्लक्स के लिए तो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इच टर्न, हिंदी हो गया क्वाइल के प्रत्येक फेरा से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्वाइल के प्रत्येक फेरा से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइ बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हम लोग का सुना हुआ चीज है। फाइ बराबर बी डॉट ए आराम से हम लोग बोल सकते हैं। अब यहां देखिए आप लोग, तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे फाइ इक्वल टू बी ए कॉस, सॉरी हाँ बी ए कॉस थीटा, फाइव बराबर कहेंगे बी ए कॉस थीटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कंप्लीट। अब यहां पर देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, क्वाइल में हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, फेरों की संख्या हम लोग कैपिटल एन लेने का काम करते हैं, फेरों की संख्या एन है ऐसा हम लोग को याद रखना है। तो एक फेरा में फ्लक्स इतना है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा एन इंटू फाइ, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा एन इंटू फाइ हम लोग कर देंगे। पेज चेंज करते हैं, आप लोग देखिएगा गौर से। तो यहां से हम लोग देखेंगे अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा एन इंटू फाइ, तो हो जाएगा एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कुल चुंबकीय फ्लक्स। पूरा सेंटेंस लिखिएगा परीक्षा में, क्वाइल से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, समझ जाइएगा नोट्स में कंप्लीट है। मैग्नेटिक फ्लक्स समझ गए आप लोग, एन फाइ बराबर एन बी ए कॉस थीटा, शुरू में ही है थीटा बराबर आप लिख चुके हैं, क्योंकि थीटा को मापना आसान नहीं है, थीटा को टाइम के साथ माप सकते हैं, जो सिस्टम से आप घुमाते हैं उसको, घुमाने वाला सिस्टम का
ओमेगा मालूम रहेगा आपको, घूम रहा है तो प्रति सेकंड कितना रेडियन से घूम रहा है वो मालूम रहेगा ओमेगा। और यदि ओमेगा मालूम है तो टाइम के साथ हम थीटा बता सकेंगे। तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो गया आपका क्या, एन बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी, थीटा को चेंज कर दिए। अब देखिएगा गौर से, यदि फ्लक्स मालूम हो गया, टोटल फ्लक्स कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए, अब हमें जरूरत है, किसकी जरूरत है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फैराडे सेकेंड लॉ में हमें मिल चुका था कॉन्सेप्ट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं गौर से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के दूसरे नियम से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के दूसरे नियम से आप कह सकते हो तो यहां पर आप क्या कर पाएंगे, आप यहां पर लिख पाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एन इंटू, या इसको लिखे डी एन फाइव बाय डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको लिख सकते हैं। तो एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्वाइल घूमे या ना घूमे तो कांस्टेंट टर्म में रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ई इक्वल टू माइनस एन आउट कर लीजिए या एन फाइव का वैल्यू पुट कीजिए पूरा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ हो गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्लियर रूप से पता है एकदम, कोई डाउट नहीं इसमें। अब इसको डिफ्रेंशिएट भी आप कर लेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं, 100% विश्वास है आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर ही लेंगे। तो माइनस एन बी ए, जो क्वाइल एक बार बन चुका, जो जनरेटर तैयार हो चुका, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी नहीं बदलेगा, क्वाइल के सतह का एरिया ए नहीं बदलेगा, ये तीनों टर्म आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एन आउट कर दीजिए, बी आउट कर दीजिए, ए आउट कर दीजिए, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन लिखिए, तो जो चैट करके देखें कोई बच्चा लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, जैसे देखिए गौर से जल्दी से आप लोग कहां तक क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर बात, सबसे पहले जवाब आया आस्था प्रिया का और सही जवाब आया है, वेरी गुड, सही जवाब है सारे बच्चे। मतलब चार पांच बच्चा ही जानता है, उसके बाद लगता है नहीं जानता है, नहीं रे। कुछ बच्चों का तो गलती हो गया,
जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं। जब मैंने क्वेश्चन पूछा कुछ बच्चा निकल गया। अरे यही एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम खड़े हैं, यहाँ से आप एकदम जरा सा नहीं हिलेंगे। डायनेमो का बनावट तो आप 10th क्लास में भी पढ़े थे, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण है ये कैलकुलेशन, ये चीज बच्चे क्लास में आपने नहीं पढ़ा था। अल्टरनेटिंग करेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा कितना, वो नहीं था, लेकिन डायनेमो का बनावट सिद्धांत था, उसी चीज को हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर हिलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, और आज हिलिएगा तो रोज हिलना पड़ेगा, इसलिए एकदम गंभीर हो जाइएगा, जरा सा भी हिलना डुलना नहीं करना है। तो चलिए यहाँ तक ठीक है, और इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। एंगल में जो कॉन्स्टेंट टर्म आता है वह आउट हो जाता है, तो कॉस ओम का हो गया आपका साइन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल के स्थान पर ओमेगा इंटू टी, टी वेरिएबल है, ओमेगा तो जो घूम रहा है तो जो मशीन के द्वारा आप उसको घुमाना चाहते हैं उसका ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा भी यहाँ पर कांस्टेंट है, टी टाइम वेरिएबल होगा, ओमेगा बाहर हो गया और फिर इस तरह से हो गया। तो फाइनली हमको जवाब मिल रहा है ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। देखिए साइन फार्मूला में आ गया, यही देखना था साइन आता है या नहीं, तो साइन आ गया। ई बराबर आपने ये देख लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो क्वाइल को आप वहां रोटेट कर रहे थे उस क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा उसको आपने देख लिया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कोई डाउट नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 3 जो भी पढ़ता है इक्वेशन नंबर हमने दे दिया। अब यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स है कि साइन का वैल्यू यदि मैक्सिमम ले लें, चूंकि ये जो यहां से यहां तक का टर्म है वो सारे टर्म कांस्टेंट है, एन बी ए ओमेगा एकदम कंप्लीट कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, तो चेंज होगा सिर्फ साइन का वैल्यू। तो साइन जब चेंज होगा तो साइन का वैल्यू मेरे को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या क्या होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, ये साइन का वैल्यू हम बच्चों को पता है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू यदि मेरे को पता है और वो पता है 1, तो साइन का यदि मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर तो ये ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। आइए गौर से देखिएगा, उसी में मैं 2 लाइन मेहनत करूंगा, ज्यादा नहीं। यदि ये टर्म मैक्सिमम हो जाए, ध्यान से समझिएगा, तो ये भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू सबको याद है, तो ध्यान देंगे यहां पर साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 होता है, और यदि साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम लिया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, जिसे कुछ कहा जाता है, जिसे शिखर मान पिक वैल्यू कहा जाता है।
और इसे इनोट से डिनोट किया जाता है। एकदम छोटा छोटा बात है, गौर से देखिएगा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम प्लस वन ले लेंगे तो इस ईएमएफ का जो वैल्यू होगा यह भी मैक्सिमम होगा 100% गारंटी के साथ। और यदि यह मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम ईएमएफ का को कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, स्पेशल सिंबल दिया गया है, और उसका स्पेशल नाम हो गया है शिखर मान। पहाड़ पर चढ़ते जाए चढ़ते जाए चढ़ते जाए चढ़ते जाए चढ़ते जाए एक बिंदु तो शिखर बिंदु मिलेगा, उसके ऊपर तो आपको उपाय नहीं है, सबसे टॉप पॉइंट पर पहुंच गए। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि टाइम के साथ ईएमएफ बदलना है, तो ईएमएफ बदलेगा तो अधिक से अधिक कहां तक बदल के जाएगा, उसी का नाम रखा दिया है यहां पर शिखर मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, पिक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पिक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्पेशल सिंबल भी चुना गया है, और वो सिंबल चुना गया इनोट, उसका नाम हो हिंदी में शिखर मान, इंग्लिश वर्ड हुआ पिक वैल्यू, और उसका सिंबल हो गया इनोट, इसको याद रखिएगा। अब ये चीज हम अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन थ्री में, तो जैसे अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ईएमएफ हमारा इनोट हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको जैसा देख लेते हैं, दो लाइन और लिख के, तो इसका मतलब है कि यदि साइन ओमेगा टी बराबर प्लस वन हो तो ई बराबर क्या हो जाना चाहिए, इनोट होगा, मतलब साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू जैसे पुट कर देंगे ई के स्थान पे क्या लिखेंगे, इनोट लिखेंगे। तो आइए अब समीकरण तीन से यूज कर देते हैं जरा जल्दी से, यहां पर देखिएगा समीकरण तीन से हम लोग क्या कर पाओगे, ई के स्थान पर रखेंगे इनोट एन बी ए ओमेगा टू, साइन का वैल्यू ले लेंगे प्लस वन। तो देखिएगा गौर से, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा, ईएमएफ के पिक वैल्यू से रिलेटेड अनेक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, प्रत्येक साल आते हैं, हर बोर्ड के एग्जाम में होता है, हर जगह इसका आंसर क्वेश्चन आता है। तो यहां पर हमारा हो गया ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान कितना होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा आपका तुरंत दिमाग यहां आ जाना चाहिए, ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, याद कर लिए आप लोग, अब बार बार यूज करेंगे इसको, ई नॉट बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। ये क्या हुआ तुम्हारा, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये किसका वैल्यू हुआ तुम्हारा, विद्युत वाहक बल का शिखर मान हुआ ये आपका। तो इसका नोट कर लीजिए, अब यहां से स्टेप चेंज होगा, अब करंट की ओर दुनिया में चलेंगे हम लोग। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से फास्ट ले, ओके नोट कर लिए जल्दी से, मजा आ रहा है या नहीं? जल्दी यस करके बताइए, तो मन लग रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ लगातार सुन रहे होंगे तो समझ में खूब अच्छा आ गया होगा, एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, यह चैलेंज है। हाँ अभी आइएगा, पांच मिनट देखिएगा, पांच मिनट चल जाइएगा, फिर उधर नाश्ता पानी करने, फिर पांच मिनट देखिए उधर चल जाइएगा, तो फिर तो गारंटी हम नहीं ले पाएंगे। हालांकि लगातार क्लास यदि कर रहे हैं, चैलेंज है मेरा, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा लाइफ में,
एक ही बार में 100% याद। याद तो होगा ही, मजा आ रहा है ये बोलिए, या सर मजा आ रहा है ये बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों इक्वेशन याद रखिए, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी क्षण ईएमएफ कितना होगा, किसी क्षण ईएमएफ कितना होगा, इक्वेशन 3 है, और उसी में से एन बी ए ओमेगा के स्थान पर आ गया तुम्हारा ई नॉट। अब हम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या करेंगे, आइए गौर से देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आपको मिल जाएगा, बिना मेहनत का मिल जाएगा, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वल टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिखा देते हैं जल्दी से एक बार फिर से बैक करके, कुछ लोग कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ये इक्वेशन को आप गौर करके देखो, और इस इक्वेशन को गौर करके देखो जल्दी से। एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा का स्थान पर ई नॉट कर सकते हैं, यस सर हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे पूछेगा ये इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए, इस इक्वेशन 5 को कहेगा ये क्या है, ये इक्वेशन क्या बताएगा हमको। यदि हमसे प्रश्न किया जाए तो हमें बताएगा एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण किसी क्षण क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, जहां वेयर ई नॉट क्या है, एन बी ए का इसको कहेंगे पिक वैल्यू ऑफ, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ विद्युत वाहक बल का इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान अचानक पूछेगा आपको, तो यही बोलिएगा। और किसी समय में विद्युत वाहक बल कितना होगा तो आपको ये बोलना है। चलिए अब हम लोग को देख लिए। अब सपोज कर लो कि क्वाइल जहां जनरेटर को जोड़े हैं वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, प्रतिरोध हो सकता है। तो देखेंगे गौर से हम लोग, यदि सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो, ऐसा सोचते हैं सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो, तो बाबू लोग किसी क्षण परिपथ में धारा एट एनी इंस्टेंट करेंट इन सर्किट
I equal to E by R. EMF by resistance, ये बहुत बच्चे बुला से जान रहे हैं, बहुत दिन से जान रहे हैं आप. I equal to E by R. होगा या नहीं? होगा निश्चित. तो यहां पर गौर से देखिए, E not sin omega t by R. राइट, कोई प्रॉब्लम? नो सर. तो यहां पर आप देखो, I equal to हम लोग लिखेंगे I not sin omega t. क्वेश्चन नंबर 6 इसको बोल दिए. अब ये फिर यहां पर लफड़ा आएगा, ये आई नॉट क्या है, वेयर आई नॉट क्या है आपका? तो आई नॉट किसको कहे? ई नॉट बाय आर को. जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो आर कांस्टेंट है, और जो मैक्सिमम ईएमएफ होगा ई नॉट है. तो ई नॉट बाय आर जो होगा वो आई नॉट हुआ. मतलब आप कह सकते हो एन बी ए ओमेगा बाय आर हुआ ये, और इसी को हम लोग कहेंगे पिक वैल्यू ऑफ करेंट. पिक वैल्यू ऑफ करेंट, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान. कोई जनरेटर लेते हैं हम लोग तो बताता है कि अधिक से अधिक धारा हमारा जनरेटर कितना दे सकेगा, ये जनरेटर वाले को पता है. तो वही हुआ मैं आई नॉट. जनरेटर में सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ते उड़ते हैं तो करंट अधिक से अधिक कितना हमको दे सकते हैं, कितना मिल सकता है, मैक्सिमम करंट कितना मिल सकता है, तो वो हुआ आई नॉट. करंट का मैक्सिमम वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ करंट उसको कहेंगे. आई नॉट का स्पेशल सिंबल हुआ. अब यहां पर देखिएगा जरा सा एक छोटा सा चीज यहां पर आपको आएगा. चीज यहां बताना चाहेंगे आपको, ध्यान से देखिएगा गौर से कि सर हम लोग कभी पढ़े थे इक्वेशन, वेव का इक्वेशन, और कहां पढ़े थे, इधर हाल में देखे थे हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में. S1 S2 टू कोरेंट सोर्सेस होता था, S1 से जो वेव चला, S2 से जो वेव चला, उसका डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखते थे. याद करोगे वाई बराबर ए इंटू साइन ओमेगा टी, यहां भी लिखते थे. ये जो ए था ये था एम्पलीट्यूड, ये क्या था तुम्हारा एम्पलीट्यूड था. ये एम्पलीट्यूड इसको हिंदी में कहते हैं आयाम. मतलब इस वाई का ये मैक्सिमम वैल्यू है, वाई जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वही है ए, और उसको हम लोग कहते हैं आयाम कहते हैं. तो सिमिलरली इसको कंपेरिजन करो, y के स्थान पर ये i है, a के स्थान पर ये i नॉट है, बाकी साइन ओमेगा टी है. तो ये जो यहाँ इसके स्थान पर जो ये जो टर्म है इसको मैं आयाम बोलूंगा, एम्पलीट्यूड बोलूंगा, लेकिन ये करंट को बता रहा है, इसको बोलेंगे करंट एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? करंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे. तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं करंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको. सो हिंदी में कहेंगे धारा आयाम. धारा का जो शिखर मान होगा, धारा का जो शिखर मान होगा वो धारा आयाम हो जाएगा, करंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा. कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है ऐसा, निम्नलिखित में से धारा आयाम का मान कौन सा है, तो ऑप्शन में तुमको ये तो दिया हुआ रहेगा. तो आई नॉट का यही वैल्यू हुआ एन बी ए ओमेगा बाय आर. याद रहेगा धारा का पिक वैल्यू कितना होगा, धारा का शिखर मान कितना होगा, वही हुआ करंट एम्पलीट्यूड. राइट, चलिए अब हम लोग देख लेंगे उसको.
तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा ये आपने हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर से समझने का जरूरत है कि इस आई का वैल्यू टाइम के साथ साथ कैसे बदलेगा, उसका ग्राफ कैसे होगा। फिर यहां पर देखना है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। इसको भी क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिए। आई नॉट बराबर ई नॉट बार जल्दी लिख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन बताइए, क्या आपको मिल गया आई बराबर क्या बोलेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान बताइए ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों मिल गया। याद रहेगा किस टाइम में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना होगा, किस टाइम में सर्किट में करंट कितना होगा, ये हम दोनों फॉर्मूला यूज करके बता सकेंगे। अब यहां पर हमको देखना है इसके ग्राफ पर जाना है, इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो देखिएगा गौर से, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं, मतलब तात्क्षणिक या तात्कालिक कहीं ये भी पूछ दी बोल देता कहीं लिखा हुआ राजा क्वेश्चन में, तो उसमें परेशान नहीं होना। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब किसी क्षण में जो करंट है, वास्तव में सच्चाई ये है कि इस करंट को माप नहीं सकेंगे हम लोग। थ्योरी पढ़ लिए फॉर्मूला पढ़ लिए लेकिन व्यवहारिक लाइफ में जो करंट मापते हैं ये करंट हम लोग नहीं मापते हैं। आगे थ्योरी पर हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि जब आप क्वाइल रोटेट कर रहा है आपने सोचा सोचते सोचते तो घूम चुका है, यह वैल्यू बदल चुका है पर्टिकुलर टाइम पर करंट कितना होगा, सोचते सोचते नापते नापते तब तक बदल चुका है वो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहारिक लाइफ में जो करंट मापते हैं यह करंट नहीं मापते हैं, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। एवरेज करंट इसके आगे पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS क्या पढ़ेंगे इसके आगे, एवरेज करंट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, इसी सब को हम लोग पढ़ेंगे। और व्यवहारिक जीवन में जो करंट मापते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो करंट माप के बताता है वो ये करंट मापता है RMS सिंबल इसका यूज करेंगे IRMS, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ से ग्राफ है, डिस्कशन है, फिर इन सब बातों पर चर्चा है, तो आप लोग थके तो नहीं होंगे लेकिन लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहिए, एक स्टेप चेंज कर देना चाहिए। अब इसी पर हम लोग आगे आज इवनिंग में अभी लगातार देंगे तो आधा घंटा और हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर जो बच्चे नहीं देखे होंगे तब तक देख लेंगे, और फिर शाम में टाइम मालूम है
छह से सात टाइम मालूम है, छह से सात लाइव होंगे, फॉलो कीजिएगा 100% पूरा आस्था के साथ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, जो दोस्त नहीं देखे होंगे, उसको मैसेज कीजिए आज का क्लास एकदम नया था, एकदम मजेदार था, आओ जुड़ो आगे बढ़ो। ओके बाय बाय।